माइनस 24x प्लस 10 टू मेक इट होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब यह है कि हम 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10 में ऐसा क्या ऐड करें कि एक होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर मतलब कि ये किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, इसको पहले हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो आप देखेंगे कि ये हम जानते हैं कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है उसका आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जो बीच वाले टर्म है उसमें नेगेटिव आता है और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमें बेसिकली फॉर्म करना है a माइनस b का होल स्क्वायर को, ठीक। तो देखिए, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 3 6 हो गया एंड 6 4 जै 24, 2 3 जै 6 6 4 जै 24 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए, हमें a माइनस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। तो देखिए, a स्क्वायर तैयार है हमारा, माइनस माइनस तैयार है, 2 a की वैल्यू देखिए, इसको मैं 3, इसे x को हम यहाँ लिख लेंगे अगर इसके साथ 3 के साथ, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3x इंटू 4। तो ये a भी तैयार है और b भी तैयार है। अगर मैं b को अगर मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू 3x और अगर मैं b को लेता हूँ 4, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो हमें 10 की जगह क्या लाना है यहाँ पे, 16 लाना है, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ उसके लिए, अगर मुझे यहाँ पे 16 चाहिए तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, प्लस 16 कर देता हूँ, माइनस 16 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो उसको मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4 प्लस 16 प्लस 10 माइनस 16, यानी 16 को मैंने अंदर ले लिया। तो देखिए, इससे क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है अब हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अब 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये a हो जाएगा 3x, b हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 16 को हम ले सकते हैं 4 का स्क्वायर और b है हमारा 4, ठीक है। प्लस 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा, माइनस 6, ये हो गया हमारा, इस हमने इसको लिख दिया होल स्क्वायर में, किसके होल स्क्वायर में, 3x माइनस 4 के होल स्क्वायर में, और हमें क्या ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, 6 को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमें 6 ऐड करना होगा इसमें टू मेक इट होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो आज हम आइडेंटिटी ड्राइव करने वाले हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो हमें पता है कि जैसे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन है, बाइनोमियल का मतलब यानी दो टर्म्स है। तो हमें पता है कि हमें हर एक ऐसी तरह की मल्टीप्लिकेशंस को तोड़ना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स के, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो हमें सम ऑफ सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है। तो इसको लिखिए, एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, अब इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू ए। अब ये देखें, ये सारे टर्म देखिए, ये सभी मोनोमियल है, ये भी 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 मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये चारों टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मोनोमियल इंटू मोनोमियल के। तो इसका सम, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं x को, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो फाइनली मेरी आइडेंटिटी हो गई कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो आइए इसका एग्जांपल करते हैं, लेट अस राइट फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल लिखते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड 101 इनटू 102, 101 इनटू 102 को फाइंड करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 इनटू 100 प्लस 2, अब इसमें कंपेयर कीजिए किससे, x प्लस a इनटू x प्लस b से।
तो मेरा 100x है, a1 है, b2 है, तो दिस विल गिव मी 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b 9x प्लस a इंटू बी, तो दिस गिव्स मी ये 1000 प्लस 300 प्लस 2 विच इज 10,302। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड 99 × 102 कितना होता है। तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू 100 प्लस 2, इसको कंपेयर कीजिए x प्लस a से इंटू x प्लस b से। अब यहाँ देखें, ये मेरा x है, ये a मेरा माइनस 1 है और ये मेरा b, तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस a इंटू b। दिस गिव्स मी 1, 2, 3, 4 प्लस 100 माइनस 2 विच गिव्स मी 10,098। दिस इज 99 × 102। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा कि x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस में ए बी। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन टू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 107 मल्टीप्लाई बाई 103, सेकेंड वन इज 56 मल्टीप्लाई बाई 48, नेक्स्ट वन इज 95 मल्टीप्लाई बाई 97। ओके, तो देखिए इसको हम वन बाई वन इवेल्यूएट करते हैं। फर्स्ट वन इज 107 मल्टीप्लाई बाई 103। तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। पहला तो ये कि हम इसको अपना मैनुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम बेसिक्स क्लास में करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो उसका प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमने जो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसको यूज़ करके हम इसको इवेल्यूएट करें। तो देखिए 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ठीक है, तो देखिए अब ये आइडेंटिटी सिमिलर है ये जो इसके x प्लस a इंटू x प्लस b के। ठीक, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये सेम है दोनों सेट, ये x हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड b की वैल्यू होगी 3। ठीक, और इसकी आइडेंटिटी हम जानते ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ अगर यूज़ करूँगा तो देखिए आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई विद एक्स यानी कि 100 प्लस ए इंटू बी यानी 7 इंटू 3। तो देखिए 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस 10 × 100 इज 1000 प्लस 7 × 3 = 21। तो ये हो जाएगा देखिए 10,000 प्लस 1000 दैट इज 11,000 प्लस 21, सो दिस वन इज 11,021। तो इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यही वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 56 × 48, सेकंड वन इज 56 × 48। देखिए हम यूज़ करना चाहते हैं इस आइडेंटिटी को, तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये दोनों में सेम होना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि इसका फर्स्ट टर्म सेम हो जाए। तो देखिए 56 को हम लिखेंगे 50 प्लस 6 और 48 को लिखेंगे 50 − 2, तभी तो 50 − 2 = 48 होगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 6 × 40 + 8। अगर आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए अब हो जाएगा इस केस में x की वैल्यू 50, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू होगी −2। ठीक है, तो इसको यहाँ आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहला होता है एक्स स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू −2 इंटू एक्स इज 50 प्लस बी ए इंटू बी यानी ए इंटू बी की वैल्यू −2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 50 का स्क्वायर इज 2500 प्लस 6 प्लस −2 यानी 6 −2 इज 4, 4 इंटू 50 इज 200 माइनस 6 × 12। ठीक, तो ये कितना आएगा देखिए 2700 माइनस 12, तो
तो ये हो जाएगा 2688। ये वैल्यू आ गई हमारी 56 × 48 की। इसी तरीके से अब हम थर्ड पार्ट अपना कंप्यूट करेंगे। दिस इज 95 मल्टीप्लाई बाई 97। देखिए तो इसको कैसे करते हैं, थर्ड इज 95 मल्टीप्लाई बाई 97। ठीक, अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के भी दो ट्रिक्स हैं। तो या तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 100 माइनस 3, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों की जो फर्स्ट टर्म है वो सेम चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 90 प्लस 7, इसकी भी फर्स्ट टर्म दोनों सेम है तो हम इससे भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखिए अब है कि इसमें से कौन सा ईजी होगा दोनों में से। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है यानी 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 3, इसमें कंप्यूटेशन ईजी होगी बिकॉज यहाँ 100 का स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ 90 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा ही कैलकुलेशन में टिपिकल आएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं यानी 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 3। तो इस केस में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100, ए की वैल्यू होगी माइनस 5 एंड बी की वैल्यू होगी माइनस 3। ठीक है, तो पहले क्या था, एक्स स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज 100 प्लस ए इंटू बी यानी माइनस 5 इंटू माइनस 3। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू 100 इज माइनस 800 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15। तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 800 प्लस 15। ठीक, तो 10,000 माइनस 800 कितना हो जाएगा, दिस वन इज 9,200 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 9,215। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारी 95 मल्टीप्लाई बाई 97। अगर आप इसको कंप्यूट करना चाहते हैं 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 7, तो देखिएगा ये भी यही आएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टफ होगा बिकॉज देखिए 90 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 8,100, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 7 का, तो 5 इंटू 7 इज 35, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा। ठीक, तो देखिए ये तीनों हमने कंप्यूट किए, तो फर्स्ट आंसर आया हमारा 11,021, सेकेंड आया आंसर 2,688 एंड लास्ट वन है 9,215। दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देन मल्टीप्लाई दिस ए टर्म विद ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बी ए और ए बी सेम ही है, देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करना था, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल टू शो दिस, सपोज ए इज 2 एंड बी इज 3, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर विच इज 25। एंड राइट हैंड साइड अगर देखेंगे अपन, सो ए क्यूब ए स्क्वायर कितना आएगा 4, बी स्क्वायर कितना आएगा 9 एंड 2ab विल बी 2 × 2 × 3 विच इज 12। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, इसका मतलब ये आइडेंटिटी अपन एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं और सिंपल ये वेरिएबल से भी शो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी को हम वेरीफाई करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो ये आएगा ए इंटू ए, फिर हम इस ए का मल्टीप्लाई करेंगे इस बी से तो आएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, फिर इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बी इंटू ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस बी का इस बी के साथ तो आएगा माइनस माइनस प्लस टाइम्स बी इंटू बी। ठीक है, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी ए को भी हम लिख सकते हैं ए बी,
ओके प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बी ए को ए इंटू बी, क्योंकि आप जानते हैं कि टू इंटू अगर हम थ्री लें तो क्या होगा, टू थ्री या सिक्स, और थ्री टू जब भी कितना होता है, सिक्स ही होता है, यानी कि टू इंटू थ्री इक्वल है थ्री इंटू टू के, इसलिए हमने बी इंटू ए को लिखा है ए इंटू बी। ओके तो देखिए इसे कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, क्या ये आइडेंटिटी सही है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज कीजिए ए की वैल्यू है टू, सॉरी थ्री ले लीजिए, और बी की वैल्यू लेते हैं हम वन। ठीक है, तो देखिए हमारी जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की जगह थ्री, बी की जगह वन, थ्री माइनस वन इज टू, टू का होल स्क्वायर मतलब टू को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फोर, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड भी यही इक्वल आता है, तो देखिए राइट हैंड साइड है ये दिस वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की जगह थ्री माइनस टू इंटू ए की जगह थ्री, बी की जगह वन प्लस वन का होल स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, माइनस टू थ्री जो सिक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, नाइन माइनस सिक्स थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी फोर है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी फोर है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो और यही हमने यहाँ दिखाया था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सही है, हमने इस एग्जाम्पल से वेरीफाई किया है। ठीक है, तो आइए इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ए की वैल्यू है इस केस में फाइव और बी की वैल्यू है थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए की जगह फाइव, बी की जगह थ्री, इसका होल स्क्वायर फाइव माइनस थ्री इज टू, तो टू का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फोर। राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए ए की वैल्यू है फाइव, फाइव बी की जगह थ्री प्लस थ्री का होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या आएगा, फाइव टू जो टेन, टेन थ्री जो थर्टी प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। ओके देखिए मैंने सिंप्लीफाई कीजिए, ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन दैट इज थर्टी फोर माइनस थर्टी, तो ये वैल्यू आ गई फोर। तो आप देखेंगे कि इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वही राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड हो गई। ठीक, तो ये हमने ये आइडेंटिटी ऊपर प्रूव की थी, ये आइडेंटिटी सही है, ये हमने दो एग्जांपल से शो किया है। तो आज हम आइडेंटिटी ड्राइव करने वाले हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि चाहे हमारे पास बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल है, हमें हमेशा उसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स में लाना है हमेशा, क्योंकि हमें उसे ही सॉल्व करना आता है। तो जैसे इसमें केस लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ कंसिडर करते हैं। तो अब इसको देखें, ऐसे लिखें ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू बी। अब देखिए ये जो सारे हैं, इस सारे के सारे मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स का प्रोडक्ट है ये, दो मोनोमियल का। तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। इस आइडेंटिटी को भी हमें हमेशा रिमेंबर रखना है, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
कि लेट अस से आपको फाइंड करना है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं, 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99, इसको कैसे करेंगे, इसको सोचें, ये इसको कंपेयर करें ए माइनस बी स्क्वायर से, आपने इसको ए माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर किया, तो इससे आपको पता चला कि यहाँ पे ए इक्वल टू 100 है, बी इक्वल टू 99 है, तो इसका हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल बी 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99 विच गिव मी 1 इंटू 199 इज इक्वल टू 199। एक एग्जांपल और करते हैं, कंसिडर कीजिए यहाँ पे 99 इंटू 101 इज इक्वल टू क्या है, तो आंसर निकालते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1। अब आप इसको कंपेयर कीजिए यहाँ a माइनस बी और ये a प्लस बी से, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा, इसकी हमें वैल्यू पता है कि इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इससे हमारे पास आ गया 100 स्क्वायर माइनस 1, दिस विल गिव मी 1 1 2 3 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमने इसमें इस वीडियो लेक्चर में सीखा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस आइडेंटिटी की बात करेंगे और इस आइडेंटिटी को सीखेंगे कि x प्लस ए इंटू x प्लस बी की वैल्यू क्या होती है। तो आज हम आइडेंटिटी ड्राइव करने वाले हैं x प्लस ए इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी। तो हमें पता है कि जैसे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन है, बाइनोमियल का मतलब यानी दो टर्म्स, तो हमें पता है कि हमें हर एक ऐसी तरह की मल्टीप्लिकेशंस को तोड़ना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स के, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो हमें सम ऑफ सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है, तो इसको लिखिए एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू ए। अब ये देखें, ये सारे टर्म देखिए, ये सभी मोनोमियल है, ये भी 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 मोनोमियल, ये चारों टर्म एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मोनोमियल इंटू मोनोमियल के, तो इसका सम इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स को, तो एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो फाइनली मेरी आइडेंटिटी हो गई कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो आइए इसका एग्जांपल करते हैं, लेट अस राइट फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड 101 इंटू 102, 101 इंटू 102 को फाइंड करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2, अब इसमें कंपेयर कीजिए किससे, एक्स प्लस ए इंटू x प्लस बी से, तो मेरा 100x है, ए 1 है, बी 2 है, तो दिस विल गिव मी 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी, तो दिस गिव मी ये 1000 प्लस 300 प्लस 2 विच इज 10,302। एक और एग्जांपल करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड 99 इंटू 102 कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू 100 प्लस 2, इसको कंपेयर कीजिए x प्लस ए से इंटू x प्लस बी से, अब यहाँ देखें ये मेरा x है, ये a मेरा माइनस 1 है,
और ये मेरा p, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू डी. दिस गिव्स मी 1, 2, 3, 4 प्लस 100 माइनस दो विच गिव्स मी 10,098. दिस इज 99 × 102. तो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम एक्स प्लस में ए बी. अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है. इस आइडेंटिटी को भी हमें याद रखना है. सो दिस क्वेश्चन सेज इंट्रोडक्शन टू फैक्टराइजेशन. ओके, तो अभी तक हमने देखा होगा ये कि मान लीजिए दो आपको कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, लेट्स से x माइनस 3 एंड x माइनस 2, है ना. तो अगर ये दो स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा. वो क्या मिल जाएगा, लेट्स से माइनस 5x² - 5x + 6, है ना, ये मिल जाएगा ना. लेकिन अब इस अगर इस टॉपिक में मैं क्या देखूंगा, फैक्टराइजेशन में क्या ट्राई करूंगा कि एक बिगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, दैट इज इसको, ये इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में. इस टाइप की एक्सप्रेशंस में मैं ढूंढूंगा कि किस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ कि मैं इसको स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकूँ, है ना. तो इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ऐसा करने को मैं फैक्टराइजेशन बोलता हूँ. ये फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं इसका, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ओके, तो मैं यहाँ पर यही देखूँगा कि कोई भी एक बिग एक्सप्रेशन अगर है आपके पास, तो आप कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, है ना. और वो जो स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं. ये इसके ये फैक्टर्स हैं, है ना. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. तो मैं इसमें यही सब देखूंगा कि किस तरीके से मैं एक बड़ी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को छोटी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैं देखूंगा फैक्टर्स के बारे में, राइट. तो हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन. तो इसमें हम करते क्या है, कोई भी अगर एक आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बिग, उसको अगर आप ब्रेक कर सकें किसी भी तरीके से, मतलब उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिख सकते हैं, तो वो जो स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको मैं फैक्टर्स बोलता हूँ उस बिग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट लेट से 5xy मैंने एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया. अब आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, राइट. देखिए आप इसको लिख सकते हैं 5 × xy, है ना. एक तरीका ये कि आप इसको एक फैक्टर ले लें और इसको एक फैक्टर ले लें. इसको आप लिख सकते हैं 5x × y, है ना. इसको एक फैक्टर ले लें, इसको एक फैक्टर ले लें. इसको आप लिख सकते हैं 5 × x × y, राइट. तीनों को आप अलग अलग फैक्टर ले लीजिए, है ना. ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसको इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट. इस तरीके से बहुत सारे तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ. तो ऐसा करने में हुआ क्या कि मुझे पता चला कि इसके क्या क्या इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना छोटा कर सकूँ उतना छोटा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे जब ब्रेक किया तो 5 × xy किया, लेकिन नहीं, ये तो मैं और भी ब्रेक कर सकता हूँ ना अभी, क्योंकि x और y को भी अलग अलग मैं ब्रेक कर सकता हूँ. तो यहाँ पे 5, जैसे इस वाले में देखिए 5x और y को मैंने तीनों को अलग अलग ब्रेक कराया, ठीक है. तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे हम जो है जितने जो भी स्मॉलेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, जैसे 5xy, तो दिस 5x एंड y जो होगा ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे. दिस विल बी फैक्टर्स ऑफ दिस 5xy, है ना, 5x एंड y, है ना. इसी तरीके से इनको मैं फैक्टर बोलता हूँ, मतलब एक बिग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप स्मॉल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए. तो जो छोटे छोटे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो जो है इस बड़े वाले के फैक्टर्स कहलाएंगे. जैसे अगर एक एग्जांपल लें, आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकता है रूट्स वगैरह पढ़ी हों, लेट्स से मैं लेता हूँ x² - 5x + 6, ठीक है. इसको आप ब्रेक कीजिए, जब आप इसको अगर इसके हमें रूट पता है, इसके देखिए 2 और 3 इसके रूट्स हैं. तो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है और उसके रूट्स पता होते हैं, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि उस x - 2 × x - 3 इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी. तो यहाँ पे जब मैंने इसको ब्रेक किया, अब इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकते, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ब्रेक यू कैन डू. ये सबसे छोटा आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो x - 2 है और x - 3 है, ये फैक्टर्स हैं. दीज आर फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6. ओके, तो इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं इन बिगर एक्सप्रेशंस का, ठीक है.
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में देखिए हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये क्या होता है। ओके, तो ये एक सिंपल एक प्रोसेस है कि अगर आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली थी 5xy, तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 5 x (x)y, राइट। तो ये 5x and y जो है इसके फैक्टर्स होंगे। तो इस प्रोसेस को मुझे ऐसे इसको ब्रेक करने को, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ फैक्टराइजेशन। ओके, आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए और उसको आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक अगर कर दीजिए तो उस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम इसको ही ब्रेक करें। मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो अगर मैं इसको 2 x 3 लिखता हूँ तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। तो इसको भी फैक्टराइजेशन में बोल सकता हूँ, राइट। तो यही होता है फैक्टराइजेशन के। फैक्टराइजेशन की हम डेफिनेशन भी यहाँ पे बोर्ड मतलब सम अप कर सकते हैं क्या होती हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ writing the given algebraic expression as a product of two or more factors. Okay, तो ये मैंने यहाँ पर definition आपके लिए sum up कर दिया कि the process of writing given algebraic expression as a product of two or more factors is called factorization. Simple है, देखिए कोई भी आप algebraic expression लीजिए, let's say मैं लेता हूँ x² - 5x + 6, इसको आप break कर दीजिए कैसे भी करके, आप इसकी क्यूब आपकी quadratic expression इसकी root निकाल दीजिए आप, तो मान लीजिए इसकी root जो है 2 और 3 आएंगी। तो अगर root पता होती है algebraic expression की तो मैं x - 2 और x - 3 form में मैं इसको break कर सकता हूँ simply। तो ये जो ब्रेक ये प्रोसेस हुआ यहाँ पर, इस प्रोसेस को बस मैं फैक्टराइजेशन बोलता हूँ। बस यही हमारा होता है फैक्टराइजेशन। अभी हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमियल। ओके, तो अभी मोनोमियल क्या होता है, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें सिर्फ एक टर्म है तो मैं उसको मोनोमियल बोलता हूँ। लेट्स से x² अगर सिर्फ ये लिखा है मेरे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो एक मोनोमियल है। ऐसे अगर मैं x² + 5 बना दूँ तो इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं x² और 5, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, है ना। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमियल, है ना। तो लेट मी टेक अ मोनोमियल हेयर, एक मोनोमियल लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेट से मैं लेता हूँ 3x²y। देखिए इसमें एक ही टर्म है ना, 3x² एक ही टर्म है, प्लस में और कुछ नहीं है इसमें, तो ये एक मोनोमियल है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, तो मैं इसको जितने भी पॉसिबल तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ वो सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 x²y, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x(x)y, है ना, अभी भी सेम ही चीज़ आएगी। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 3x² (y), राइट। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x² (y)(1), है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ है, मैं इसको 3y (x² भी लिख सकता हूँ, और एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 3xy(x), है ना। तो और मैं इसको लिख सकता हूँ xy(3x) फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो ऐसे में बहुत सारे फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं देखिए तो बहुत सारे फैक्टर्स भी इसके पॉसिबल होंगे, है ना। तो जैसे देखिए इसका फैक्टर 3 भी इसका फैक्टर है, x² y भी इसका फैक्टर है, 3x भी इसका फैक्टर है, xy भी इसका फैक्टर है, देन अगेन 3x² y, 3x² y, 3y एंड x² 3xy, x xy, 3x, ये सारे जो हैं, ये देखिए x वाई तो मैंने 2 बार लिख दिया तो यहाँ से हटा देते हैं। तो ये सारे पॉसिबल मतलब और भी फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे मुझे सारे पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ ढूंढने होते हैं जितने भी मैं बना सकता हूँ, और ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इसको मैं इन सब में मैं ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब और फैक्टर्स का मतलब ये भी होता है कि अगर इस एक्सप्रेशन का ये कोई फैक्टर अगर है तो ये एक्सप्रेशन जो है ना उस फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो देखिए इसको आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए इन फैक्टर से, देखिए आप डिविजिबल ही आएगा। मान लीजिए 3xy से डिवाइड कीजिए, जब आप इसको 3x(x)y से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा और x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x बच जाएगा, डिविजिबल हो गया। तो ऐसे कोई भी अगर आप फैक्टर लेंगे उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो बस यही होता है कि फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल यही है कि वो टर्म मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है उसके फैक्टर्स निकालना, और मतलब इस तरीके से निकाल मतलब वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स मैं निकालूं कैसे भी करके कि जिससे ये डिविजिबल हो, राइट। तो यही होता है फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। दिस क्वेश्चन सेज कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स, मतलब आपके पास 2 या 3 या उससे ज़्यादा कुछ मोनोमियल्स हैं, तो उन सब के फैक्टर्स जब मैं देखूंगा तो देर मे बी सम कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो वो मैं उसके बारे में कुछ देखूंगा यहाँ पर। तो लेट्स से मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 3x और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 7x।
तो जब मैं इन दोनों के फैक्टर्स लिखूंगा तो देखिए इसका फैक्टर एक 3 है क्योंकि 3 से डिविजिबल है, इसका फैक्टर एक x भी है क्योंकि x से भी डिविजिबल है, और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो 3 और x और 1 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं 7x ले लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 into x, राइट, और 1 तो मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, तो 1x और 7 इसके कॉमन फैक्टर हो गए, तो 7x और 1, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए आप जो 1 है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इन दोनों जो ये दोनों मोनोमियल्स जो हैं इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 एंड x आर कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 1 और x जो है कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों ही मोनोमियल्स के, मतलब ये 1 और x दोनों ही मोनोमियल्स के फैक्टर्स हैं, दोनों ही मोनोमियल्स को मैं इनसे डिवाइड कर सकता हूँ, यही होता है कॉमन फैक्टर्स। ऐसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, है ना, जैसे मैं लेट से इस बार 3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से एग्जांपल एक लिया आपने 3x स्क्वायर, एक लिया 3xy और आपने एक लिया 3y स्क्वायर x, 3 नंबर हमने लिए, तीनों के फैक्टर देखिए आपको कहीं ना कहीं कुछ एक ना एक फैक्टर तो कॉमन मिल ही जाएगा, एक ना एक तो वैसे मिल ही जाता है क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, है ना। जैसे तो 1 तो इन तीनों का, इस 1 इसका फैक्टर होगा, और इसका क्या पॉसिबल फैक्टर्स है, इसका 3x फैक्टर है क्योंकि 3x डिविजिबल है, और एक्स स्क्वायर भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है, है ना। ऐसे ही 3xy का देखिए 1 तो फैक्टर हो गई, 3x फैक्टर है इसका, 3y भी फैक्टर है इसका, xy फैक्टर है इसका, राइट, इस तरीके से फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 3y स्क्वायर x का 1 फैक्टर होगा और 3y स्क्वायर होगा, 3x भी हो सकता है और 3xy भी हो सकता है, सिर्फ y भी हो सकता है, सिर्फ y स्क्वायर भी हो सकता है, xy भी हो सकता है, इस बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इस तरीके से, ना। तो अगर मैं कुछ कॉमन फैक्टर्स देखना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो 3x है वो इसमें भी है, 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तीनों में 3x है। ऐसे ही देखिए x इसमें भी है और x देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, x इसमें भी होगा, x इसका भी कॉमन फैक्टर है और x इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसमें भी मैंने नहीं लिखा है, तो x इसका भी कॉमन फैक्टर है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो तीनों का x कॉमन फैक्टर है, 3x भी तीनों का कॉमन फैक्टर है और 1 भी तीनों का कॉमन फैक्टर है, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों के जो है 1x एंड 3x जो है वो कॉमन फैक्टर है, है ना। तो बस यही होता है कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स के, हम फैक्टर्स लिखते हैं उन मोनोमियल्स के सारे, फिर देख लेते हैं कितने फैक्टर्स वहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, कॉमन मतलब जो सब में है, है ना। तो वो जो सब में है उनको मैं बोलता हूँ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं दो मोनोमियल, अगर दो या तीन मोनोमियल्स दे रखे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाई, या फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। और उन्होंने ये भी दे रखा है इसी क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ गिवन मोनोमियल्स इज अ कॉमन फैक्टर हैविंग अ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। क्योंकि एज एन एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए मैं 3x स्क्वायर वाई लूँ और 3x लूँ, राइट, या फिर 3xy ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो देखिए 3 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, एक्स भी इनका कॉमन फैक्टर है, वाई भी इनका कॉमन फैक्टर है, तीन दोनों का, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है क्योंकि इससे बड़े भी पॉसिबल हैं, राइट, 3xy भी पॉसिबल है, है ना, 3xy भी तो इसका कॉमन फैक्टर है, तो 3xy देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो मुझे यही कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका इस क्वेश्चन में मैं देखूंगा, मतलब आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कैसे प्रोसीड करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना अगर है आपको गिवन मोनोमियल्स का, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स हैं, सो वन बाय वन हम स्टेप देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा हमारा इज ऑप्टेन द गिवन मोनोमियल, जो भी हमें मोनोमियल्स दे रखे हैं उनको आप ऑप्टेन कर लीजिए, राइट। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि आप जो भी मोनोमियल्स हैं उनकी कोएफिशिएंट देखिए, राइट, जैसे इसमें कोएफिशिएंट 3 था, ऐसे ही आप जो भी मोनोमियल्स गिवन है उनके कोएफिशिएंट देखिए, तो ऑप्टेन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच मोनोमियल, जितने भी मोनोमियल हैं सबके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप फाइंड कीजिए एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और जितने भी आपने कोएफिशिएंट निकाले उन सब कोएफिशिएंट का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। मान लीजिए आपने तीन आपके पास हुए हैं मोनोमियल, एक का कोएफिशिएंट 5 है, एक का 10 है और एक का 15 है, राइट, तो इनमें मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इनका 5, ठीक है, तो है ना, क्योंकि 5 तीनों में है और 5 से बड़ा ऐसा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है जो तीनों में हो, राइट। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से
हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि आप कॉमन लिटरल्स फाइंड कीजिए। लिटरल्स क्या होते हैं कि कोएफिशिएंट को हटा के, जैसे एक्स वाई या ए बी इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं उनको हम लिटरल्स बोलते हैं। तो फाइंड द कॉमन लिटरल्स, फाइंड द कॉमन लिटरल्स इन मोनोमियल, जो भी मोनोमियल्स है उसमें क्या क्या कॉमन है ये देख लीजिए आप। मतलब मान लीजिए किसी किसी मोनोमियल, एक मोनोमियल है थ्री ए बी, एक है थ्री बी, एक है थ्री सी, थ्री लेट से बी स्क्वायर है ना। तो इसमें कोफिशियंट तो तीनों का थ्री है, लेकिन कॉमन लिटरल में देखूँ तो देखिए ए इसमें है, ए इन दोनों में नहीं है, बी तीनों में है, तो कॉमन लिटरल सिर्फ बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों में तो कॉमन लिटरल क्या हो जाएगा, बी और ए दोनों ही कॉमन लिटरल हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से मैं कॉमन लिटरल्स फाइंड करता हूँ जो भी मोनोमियल्स है उसमें, है ना। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो होता है कि आप जो कॉमन लिटरल्स आपने फाइंड आउट किए हैं उसकी आप स्मॉलेस्ट पावर फाइंड आउट कीजिए। मतलब जितने भी मोनोमियल्स दे रखे हैं, है ना, कॉमन लिटरल्स हैं ये, तो कॉमन लिटरल्स मतलब सब में है ये, हर मोनोमियल्स में है। तो आप इन कॉमन लिटरल्स की आप स्मॉलेस्ट पावर फाइंड आउट कीजिए कि किस मोनोमियल में है, और वो आप देख लीजिए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट पावर टू दीज लिटरल्स, टू दीज लिटरल्स, है ना। जैसे आप इन तीनों में अगर मैं देखूं तो देखिए ए और बी कॉमन था, तो ए की लीस्ट पावर क्या थी, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो ए की पावर है वन लीस्ट, और बी की पावर लीस्ट क्या है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, बी इसमें पावर टू पर है, इसमें वन है, इसमें वन है, तो बी की लीस्ट पावर है बी की पावर वन, है ना। तो इस तरीके से मुझे स्मॉलेस्ट पावर फाइंड आउट करनी होगी इस स्टेप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। उसके बाद जो इससे अगला स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो अब हमने स्मॉलेस्ट पावर फाइंड करके, मतलब कॉमन लिटरल्स की हमने स्मॉलेस्ट पावर फाइंड आउट कर ली है ना, उनको मल्टीप्लाई करके आप नया मोनोमियल लिखिए। तो राइट द मोनोमियल, राइट द मोनोमियल यूजिंग स्टेप थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर स्टेप में जो आपने, जो भी हमने मोनोमियल्स फाइंड आउट, कॉमन मोनोमियल फाइंड आउट, कॉमन लिटरल फाइंड आउट किया और उनकी पावर फाइंड आउट की, जैसे इसमें मैंने ए और बी कॉमन थे, उनकी पावर ए की पावर वन और बी की पावर वन, हमने स्मॉलेस्ट पावर फाइंड आउट की, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक नया मोनोमियल लिखिए, है ना, इस फिफ्थ स्टेप में। अब सिक्स्थ स्टेप क्या हो जाएगा, सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो हमने सेकेंड स्टेप में जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा था उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मोनोमियल से जो फिफ्थ स्टेप में हमने फाइंड आउट किया है। सो द आंसर विल बी, मतलब क्या होगा, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स, ऑफ गिवन मोनोमियल्स, कितना क्या हो जाएगा वो, गिवन मोनोमियल्स इज प्रोडक्ट ऑफ जीसीएफ फाउंड इन स्टेप टू। मतलब स्टेप टू में हमने किसका जीसीएफ फाइंड आउट किया था, कोएफिशिएंट्स का, सिर्फ कोएफिशिएंट का, और ये जीसीएफ है ये वाला पूरे मोनोमियल्स का, इन स्टेप टू एंड मोनोमियल फाउंड इन स्टेप फाइव, है ना। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो नया मोनोमियल बनेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन ऐसा फैक्टर होगा उन मोनोमियल्स का, फाउंड इन स्टेप फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे इन तीनों में अगर देखें तो देखिए तीनों का कोफिशियंट कितना है, थ्री, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी थ्री हो जाएगा, राइट। तो स्टेप टू से हमें थ्री वैल्यू मिली। अब कॉमन लिटरल्स देखा ए और बी था, अब उनकी पावर देखी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पावर के, है ना, स्मॉलेस्ट का क्या है, ए की पावर वन है स्मॉलेस्ट, और बी की पावर भी वन है, राइट। तो ए और बी यहाँ पर ए की पावर वन और बी की पावर वन मैंने ले लिया, और इनको मैंने मल्टीप्लाई करके स्टेप फाइव में एक मोनोमियल बना दिया। यहाँ पे एक मोनोमियल बनाना था मुझे, तो क्या मोनोमियल बन गया, वो ए बी मोनोमियल बन गया, है ना। तो यहाँ से मोनोमियल जो बना वो बना ए बी, राइट। और ए बी में अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कोफिशियंट जो हमने ऊपर निकाला था थ्री, तो थ्री ए बी, तो थ्री ए बी मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन तीनों मोनोमियल्स का, है ना। तो यही स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। So this question says
फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म, मतलब मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है तो उस एक्सप्रेशन का जो हर एक सिंगल टर्म है वो एक मोनोमियल है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लूँ, अगर मैं 3x + 15 तो है ना, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है राइट, अगर इसको पूरे को होल को देखूँ तो एक मोनोमियल नहीं है, मोनोमियल का मतलब एक टर्म को। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली इसको देखूँ अलग से और इसको अलग से देखूँ तो ये दो मोनोमियल्स की तरह काम कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हमें अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को व्हेन कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। तो ये जो हर टर्म्स है इसमें एक कॉमन मोनोमियल फैक्टर है ना, अगर है तो हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें मैं उस चीज़ का यूज़ करूँगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था ऑफ मोनोमियल्स, ऑफ गिवन मोनोमियल। जैसे यहाँ पे ये मोनोमियल दे रखा है और एक ही मोनोमियल दे रखा है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ना, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लेके हम इसको करेंगे। तो स्टेप्स में इसके आपको बता देता हूँ क्या फॉलो करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इज ऑप्टेन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखी है अलजेब्रिक उसको आप ऑप्टेन कर लीजिए। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप उसके हर टर्म के, मतलब एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म हैं, 2 या 3 या 4, उसके हर टर्म्स को एज ए मोनोमियल कंसिडर कीजिए और उन सब का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जितने भी टर्म्स हैं उसमें उसको एज ए मोनोमियल मान सकते हैं हम लोग, उन सारे टर्म्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगले स्टेप में हमको क्या करना है, फाइंड आउट करने के बाद हर जिस जिस टर्म का मैंने मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, अब मुझे क्या करना है, उस टर्म को इस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है ना। जैसे इन दोनों में अगर मैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो देखिए 3 आएगा। अब मैं क्या करूंगा ना, हर टर्म को जैसे 3x को भी 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा x है ना, और 15 को भी 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से प्लस, इसको डिवाइड किया मैंने तो वैल्यू आई 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा, मतलब एज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड द क्वेश्चन विच वी गेट व्हेन वी डिवाइड दिस टर्म्स बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो अब यही करेंगे कि हर टर्म को उसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो इसको किया तो मैंने x आया, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से है ना। इसकी जगह पे आप ये चीज़ लिख देंगे, सेम ही होती है ये, ऐसे ही अगले टर्म के लिए भी यही करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से, तो 5 आया और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से है ना, इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा इस स्टेप में, राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन, या फिर मुझे कहना चाहिए कि राइट ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा, राइट ईच स्टेप ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकला सेकंड स्टेप में उस दैट थिंग इनटू क्वेश्चन व्हेन वी डिवाइड द टर्म विद दैट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कि हर टर्म को आप इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए, जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला है जो क्वेश्चन आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से। हर टर्म के लिए हम ये करेंगे थर्ड स्टेप में। अब मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसके यूज करके हम क्या करेंगे, हम वी टेक आउट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एज कॉमन ऑफ ईच टर्म, क्योंकि हर टर्म में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होगा तो हम इसको बाहर निकाल देंगे और फिर उस पूरे एक्सप्रेशन को हम इसके टर्म में लिख देंगे, राइट द एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड क्वेश्चन रिमेन्स ऑफ ईच टर्म, मतलब कॉमन जब मैंने बाहर निकाल दिया तो जो अंदर बचा दैट थिंग इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के हम टर्म में लिख देंगे। जैसे ऊपर मैंने जो एग्जांपल ले रखा है वो 3x + 5 है, इसके इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 5 मिलेगा आपको, सॉरी 3 मिलेगा। तो फिर क्या करते थे हम लोग, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इनटू, जब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से 3 से इसको डिवाइड करूंगा जो भी आएगा x आएगा तो यहाँ पर वो लिखूंगा, प्लस अगेन यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इनटू में क्या आएगा, जब इस 15 को मैं इस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5। तो इस फॉर्म में मैं लिखूंगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करके देखिए 3 और ये 3 कॉमन निकाल दूंगा इनमें से मैं है ना। तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, जब 3 एक फैक्टर निकल गया तो इस जगह x बच गया एंड प्लस, और यहाँ से 3 निकल गया तो 5 बच गया है ना। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा यही तरीका है इसको फैक्टराइज करने का।
अगर मोनोमियल मोनो मतलब ईच टर्म्स में कुछ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अगर पॉसिबल है तो हम उसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। So, this question says factorization of algebraic expressions when a binomial is a common factor. Okay, जैसे मैं previous video में देखा था कि algebraic expression है जिसके हर terms में एक हर terms को as a monomial मान के उसके अंदर मैं कुछ greatest common factor निकाल सकता हूँ, है ना? तो उसको मैं factorize करना मैं कैसे करते हो मैंने सीखा था। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो expression दे रखी है हमें उसमें एक पूरा binomial factor ही common आ रहा है, जैसे let's say एक example ले लेता हूँ, 3 2x + y + 7 2x + y। ये अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए आप इस टर्म में अगर आप देखेंगे तो 2x + y इसमें कॉमन और इसमें भी 2x + y, दोनों में 2x + y है, है ना? और ये जो 2x + y है ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, एक 2x और एक y, है ना? तो जब बाइनोमियल कॉमन फैक्टर है तो इस केस में जो कॉमन फैक्टर है वो बाइनोमियल है, एक 2x + y। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को राइट करूँ, मतलब राइट दिस एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस बाइनोमियल कॉमन फैक्टर and the quotient which I'll get when I divide this expression by this binomial common factor, right? So यहाँ पर मैंने लिख दिया, हमें करना क्या होगा कि इस कोई भी expression है उसको हम ऐसे product लिखेंगे जो binomial common factor है, जो common factor है binomial उसके term में, then multi is into the coefficient जो हमें मिलेगा जब हम इस एक्सप्रेशन को उस बाइनोमियल कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, है ना? उस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, देखिए इस एक्सप्रेशन में मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं इन दोनों टर्म में 2x + y कॉमन है तो मैं 2x + y अगर बाहर निकाल दूँ, है ना, कॉमन ले लूँ अगर मैं इसको, तो क्या बच जाएगा अंदर? इस एक्सप्रेशन में देखिए 3 बच जाएगा और इस एक्सप्रेशन में देखिए 7 बच जाएगा, राइट? तो सिंपली मैंने लिख दिया इसको, 7 + कितना होता है 10, तो 10 2x + y। तो मैंने सिंपली इसको एज ए प्रोडक्ट लिख दिया कि बाइनोमियल कॉमन फैक्टर इंटू 10। 10 क्या है कि वो क्वेश्चन है, जब हम इसको 2x + y से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो 10 इंटू इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो यही करना होगा हमेशा, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए और ट्राई कीजिए कि आप उसका जो बाइनोमियल, पहले तो ट्राई कीजिए कि आप बाइनोमियल कॉमन फैक्टर बनाइए, फिर उसको कॉमन निकाल के थोड़ा मैनिपुलेशन कीजिए एक्सप्रेशन में, तो वो हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं अगर आपके लिए पेश करूँ यहाँ पर, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली मुझे कोई ऐसा बाइनोमियल कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ बनाने का। कैसे? देखिए यहाँ पर मुझे 3 भी तो दिख रहा है, तो क्या मुझे इस एक्सप्रेशन में कहीं 3 भी दिख रहा है? तो मैं मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखा, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में देखिए ये दोनों मोनोमियल्स हैं, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, है ना? तो इन दोनों में 2 है, तो मैं 2 अगर कॉमन निकाल दूं यहाँ से तो इस एक्सप्रेशन में a बच जाएगा, और इस एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा? 6 को हम 2 × 3 लिखते हैं और 2 बाहर निकल के 3 बच जाएगा, तो 3 × b बच जाएगा एंड -3a + 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कॉमन है, एक बाइनोमियल कॉमन फैक्टर है, क्या है? a + 3b। अब इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, a + 3b को आप कॉमन निकाल दीजिए और अंदर क्या बच जाएगा, इधर इस एक्सप्रेशन में से तो 2 बचेगा एंड माइनस इस एक्सप्रेशन में से एक तो 3 बच जाएगा, और एक आपका देखिए पावर 2 थी a + 3b की, है ना? तो यहाँ से एक फैक्टर ही निकाला है हमने, तो एक फैक्टर तो अभी भी बच जाएगा a + 3b का। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आप मैनिपुलेट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a + 3b, इस 3 को अंदर ले जाइए ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा -3a - 9b, राइट? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व कर सकते हैं। Okay, so this question says grouping of the terms of an algebraic expression may lead to its factorization. Okay, तो ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक algebraic expression दे रखा है, मैं एक expression लिखता हूँ 3xy - 3y + 7x - 7। ओके, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का ईच टर्म देखूं, ईच टर्म एज ए मोनोमियल देखूं, तो उसमें कोई ग्रेटेस्ट